हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू पी के बी एजुज्ञान। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं अपने मोबाइल से तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक विजिट करना है, फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सीधा फॉर्म के विंडो पर ले चलता हूँ। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है CCSHU एडमिशन क्लिक केयर अप्लाई नाउ, तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। डिग्री टाइप आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर बात आती है सेलेक्ट डिग्री और डिप्लोमा जो आप करने जा रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। BSc फिशरीज फोर ईयर प्रोग्राम, ऑनर्स फोर ईयर प्रोग्राम, ऑनर्स सिक्स ईयर प्रोग्राम। तो दोस्तों, मैं आपको सिक्स ईयर प्रोग्राम का जो है फिल करके दिखा देता हूँ। अगर आप अदर जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको मेथड जो पता चल जाए, आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आसानी से आप फॉर्म फिल कर पाओगे। दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये आप रीड कर सकते हो। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एकेडमिक सेशन यहाँ पर 2020 दिया गया है। गार्डियन नेम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सिंपली फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो मैं यानी कि अपनी डिटेल्स कोरेक्ट फिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कोरेक्ट फिल कीजिएगा। यहाँ पर जेंडर आप मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, जैसे मैं अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपने फादर या पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है, फादर मदर जिसका भी आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कैंडिडेट इज़ ओनली ए गर्ल चाइल्ड, तो दोस्तों अगर जिसका फॉर्म फिल किया जा रहा है वो ए सिंगल एक गर्ल है, यानी कि ना उसका कोई ब्रदर है ना सिस्टर है, ओनली गर्ल चाइल्ड है, तो यहाँ पर यस करें, बाकी नो करेंगे। ब्लड ग्रुप यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। नेशनलिटी इंडियन। ईमेल आईडी यहाँ पर आप दे दीजिएगा अपनी। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है दोस्तों, एससी बीसी और बीसीए। एससी पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको क्या है, यहाँ पर अपना एससी का सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरह बीसीए या बीसीबी वालों के लिए भी अपलोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपना जो जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर लैंड, यानी कि कई विलेजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी को जो है लैंड डोनेट की हुई है, तो वो यस करेंगे अगर उस विलेज से आप बिलोंग करते हो, वरना नो करेंगे। अगर आपके गार्डियन जो है वो फादर और मदर है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, या फिर कोई और है तो आप गार्डियन पे क्लिक करके उसको मेंशन कर सकते हैं। फादर मदर का ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर देना है, जैसे कि मैं दे देता हूँ। एनुअल इनकम ये दे दीजिए। डू यू फॉल अंडर फ्रीडम फाइटर, तो नो करेंगे। एक सर्विस मैंने इसका भी नो करेंगे। अगर दोस्तों आप डिसेबल्ड पर्सन हो, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे वरना नो। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आते हो तो यस करेंगे वरना नो। और अगर आप दोस्तों यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एम्प्लॉई रह चुके हो तो यस करेंगे वरना नो, यानी कि ज़्यादातर नो ही होते हैं। रेजिडेंस हरियाणा, सिर्फ हरियाणा वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप डिटेल्स को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपको काम आएगा। फिर आपको आई हैव नोटेड डाउन पे क्लिक करके क्लिक हेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। अगर आप अभी भी कोई चेंजेस करना चाहते हो तो चेंज को कर सकते हो। फिर ओके करना है यहाँ पर आपको, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपका आपको एड्रेस डालना है, अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर दीजिए। अगर सेम नहीं है तो आप अलग अलग जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर अपना पुट कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे कि मैं अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। फ़ोटोज़ का साइज़ आपको ध्यान रखना है, 50 KB से कम होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों आपको चूज़ फाइल पे जाना है और फ़ोटोज़ आपको अपलोड करनी है। जैसे कि मैं अपनी फ़ोटो कोई भी अपलोड कर देता हूँ।
फिर यहाँ पर आपको चूज फाइल पे जाके सिग्नेचर अपलोड करना है दोस्तों। और सिग्नेचर आप यहाँ से इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको थंब इम्प्रेशन जो है वो अपलोड करना है, तो थंब इम्प्रेशन यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरह से फाइल्स अपलोड हो जाएगी। फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है लोडिंग हो रही है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जो ओपन होगा ये देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर ओके करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको देखना है, यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको मतलब दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर, तो आपको दोबारा अपलोड करने होंगे, यानी कि आपके सही से अपलोड नहीं हुए। ध्यान ये रखना है कि 50 KB से फाइल का साइज़ कम होना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको मैट्रिक रिजल्ट अवेटेड, यानी कि अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं है, तो रिजल्ट अवेटेड पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, तो आप अपना जो भी ईयर है, यानी कि 2020 में अगर आप पास करें तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कोई भी अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको अपना बोर्ड जैसे कि HBSC, एडमिशन रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जो भी है मैं अपना डाल देता हूँ, कुछ भी मैं डाल रहा हूँ। आप अपना राइट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर पुट कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट्स अपने डालने हैं। ये यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको एक बार विंडो को ऐसे इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स अपलोड करने हैं अपने, यानी कि जो जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि फिजिक्स, सॉरी 10th के अंदर तो इस तरह से होता है, साइंस, मैथमेटिक्स, इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट जो है वो अपलोड कर देने हैं। सब्जेक्ट्स आपको राइट कर देने हैं। फिर आपको करना है सेव पे क्लिक, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आर यू एक स्टूडेंट, यानी कि आप पहले से HAU के स्टूडेंट रह चुके हो, तो मैं आपको यहाँ पर नो कर देता हूँ, नो ही आपको करना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन नो ही पड़ा रहने देते हैं। आर यू रूरल अर्बन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सेव करना है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट, आई एग्री पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर उसके बाद क्लिक करना है। अगर आपने सही से फॉर्म भरा है, आप फिर से चेक करना चाहते हैं, तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से पूरा आप डिटेल्स अपनी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो गो टू फाइनल सबमिट पे जाते हैं। यहाँ आपको टिक करके दोस्तों फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है, फिर ओके करना है। तो दोस्तों आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। जनरल के लिए 1000 फीस है और बाकी कैटेगरीज के लिए है 250 रुपये। तो आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये पे नाउ का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पे नाउ पे क्लिक करना है। और फिर पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक और विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप पे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको, यानी कि हमारे पास ज़्यादातर डेबिट कार्ड्स है वो अवेलेबल होते हैं। डेबिट कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है, और फिर एक्सपायरी डेट उसकी कार्ड की, और CVV यहाँ पर आपको डालनी है। फिर यहाँ पर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करें तो दोस्तों आपके पास जो है OTP आएगा, जिस नंबर से वो कार्ड लिंक्ड है, और OTP आप फिल करें तो वो पेमेंट जो है वहाँ से कट जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है अच्छी तरह से फिल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ जो है अभी समझ में नहीं आई है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिए, क्योंकि हम आपका रिप्लाई जो है वो ज़रूर करेंगे दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सजेशन देना है तो भी आप हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे।